नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। आज बात करेंगे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं, और फ्रेंचाइजी अगर लेनी चाहिए तो किस तरह से लेनी चाहिए, आप कैसे किसी भी ग्रॉसरी स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और फ्रेंचाइजी आपके लिए बेहतर है या नहीं, क्या आपको खुद का स्टोर खोलना चाहिए, क्या फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज सबसे हम पहले बात करते हैं भाई ग्रॉसरी स्टोर की। स्टोर एक ऐसा है, ग्रॉसरी स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कि लॉकडाउन या फिर कोरोना या बहुत सारे पैंडेमिक आए थे जिसमें ये सब बिज़नेस जो है रन कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई क्या ये ग्रॉसरी स्टोर प्रॉफिटेबल है या नहीं, फ़ायदेमंद है कि नहीं, है ना। ये डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे, आपकी ग्रॉसरी स्टोर की लेंथ या फिर साइज या फिर आपकी बिक्री पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने स्टोर को ओपन करके अच्छी खासी सेल जनरेट कर पा रहे हैं अपने स्टोर में तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और अगर आपकी बिक्री नहीं हो रही, आप सेल ही नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट, तो फिर आपको घाटा लगने लगेगा और फिर एक टाइम पे आपको स्टोर बंद करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें तो ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन बंद हुआ, चला नहीं चला, वो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं थोड़ा फ्रेंचाइजी के लिए। कई लोग परेशान हैं कि भाई हमें जो है स्टोर ओपन करना है तो हम फ्रेंचाइजी लें, क्या फ्रेंचाइजी जो है फ्रेंचाइजी लेने से हमारे स्टोर की सेलिंग बढ़ जाएगी, क्या हम बिना फ्रेंचाइजी लेके अपने स्टोर खोलेंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी, क्या बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी को समझिए। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी से जुड़ जाइए, उनसे फ्रेंचाइजी ले लीजिए और वो फ्रेंचाइजी दे देंगे, यानी कि आपका पूरा स्टोर ओपन कर देंगे और आपसे एक तगड़ा फीस ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, फ्रेंचाइजी फीस, लोगो, स्टोर और इन सब का जो मिला के जितना, यानी कि आप अगर उसी स्टोर को ओपन करते तो आप उसे 20 लाख पे खोल सकते थे, लेकिन फ्रेंचाइजी से ओपन करवाएंगे तो उसमें आपको 30 लाख तक खर्च करना पड़ेगा, इतना डिफरेंस। तो ये तो हो गया डिफरेंस की बात। अब ये जो फ्रेंचाइजी क्या करते हैं, इन लोग के पास प्री डिफाइंड मॉडल होता है एक बिज़नेस का कि हमारा जो स्टोर होगा इस तरह से होगा, लोगो ऐसा होगा, सेल्स की चीज़ें ऐसी होंगी, बिलिंग मशीन इस तरह की होगी, रैक हमारे इस तरह के होंगे, जो प्रोडक्ट जमाने की तकनीक है ऐसी होगी। तो फ्रेंचाइजी के पास पूरा सेटअप पहले से बना बनाया होता है। अब आप फ्रेंचाइजी जब ले लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जब आप पैसा देते हैं उनको तगड़ा, तो वो आपकी बताई हुई जगह पर अपना स्टोर जो है बना के चले जाते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग दे जाते हैं कि इस तरह से आपको स्टोर चलाना है। तो ये हो गया फ्रेंचाइजी का काम। अब इसी में आप खुद खोलते हैं, खुद बिजनेस जब ओपन करते हैं, खुद से स्टोर ओपन करते हैं, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आज के डेट में हमने तगड़ी चीज़ें बताई हैं पिछली वीडियो में कि भाई इस तरह से स्टोर खोलें, ये चीज़ें लगती हैं, इवन पूरा चैनल हमारा इसी से रिलेटेड है। तो आप हमारे चैनल पर जाके सीख सकते हैं कैसे खुद का ग्रॉसरी स्टोर खोलें, ठीक है। तो अपने से खोलेंगे तो आपको पहली चीज़ तो फीस कम लगेगी, पैसे कम लगेंगे, और बाकी जो ट्रेनिंग की रही बात कि हम सेल्स कैसे करें, हम स्टोर कैसे बनाएं, इंटीरियर कैसे बनाएं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमने काफ़ी चीज़ें बताई है, तो उसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कोई इशू वाली बात नहीं। आप अपने से स्टोर खोलेंगे तो आप उसे किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी लोगो बदलना है या फिर हमें नंबर बदलना है या फिर हमें डिज़ाइन बदलना है, सब कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी अगर ले लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजी में जो कंपनी कहती है, फ्रेंचाइजी जिसे लेंगे उस कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है, है ना। खुद का स्टोर खोलेंगे तो आप हर चीज़ उसमें मैनेज कर सकते हैं, चाहे तो एक उसी नाम से नया ब्रांड स्टोर खोल सकते हैं, है ना, फिर अपनी ही संस्था को आप पढ़ा सकते हैं आगे तक। लेकिन फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता, एक बार फ्रेंचाइजी आपने ले ली उसको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपको अगर दूसरी जगह स्टोर खोलना है तो फिर उसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर एक मोटी तगड़ी फीस देनी पड़ेगी, देन उसके बाद दूसरा ब्रांच आपका ओपन होगा। तो ये सब डिफरेंस जो होते हैं फ्रेंचाइजी में और खुद के स्टोर में होते हैं, आप इनको थोड़ा गौर करिएगा, समझिएगा कि हमें फ्रेंचाइजी लेना चाहिए नहीं, और हम उसमें किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हालांकि हमने पिछली कई वीडियो में फ्रेंचाइजी के बारे में बताया है, कुछ हमने प्रमोशनल वीडियो भी हमने दिखाए होंगे, शायद आपको देखा होगा कि ये जो है वीडियो है, ऐसा फ्रेंचाइजी ले लीजिए, ये वो देन, है ना। तो वो भी एक चीज़ है, आप इसको खुद समझिए एक बार कि फ्रेंचाइजी लेना चाहिए नहीं, है ना। अपने खुद से स्टोर ओपन करिए अपना दिमाग लगा के, तो आप उसमें ना बहुत महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे लगा दें और कोई दूसरा स्टोर आपका बना के चला जाता है, कोई दूसरा स्टोर खोल के चला जाता है, तो इसमें ना आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, है ना, आपको इसमें लर्न नहीं कर पाएंगे, सीखेंगे नहीं कुछ, बस आपको फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो गया, कौन सामान ला के रख दिया कहाँ से, ये सब चीज़ें थोड़ा होती हैं, तो इसको समझिएगा, है ना। अब एक चीज़ आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों, कि जब आप अपना स्टोर खोलते हैं तो मान के चलो अगर आपका स्टोर कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आपका स्टोर नहीं चल रहा है, तो कोई फ्रेंचाइजी भी अगर वहाँ पे आके स्टोर खोल देगी तो उसमें भी प्रॉबिलिटी हुई वो नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने एक जगह पे एक तिराहे मोहल्ले में एक दुकान खोली, एक स्टोर खोला और वो नहीं चल रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि कोई फ्रेंचाइजी भी आके वहाँ पे अपना आउटलेट ओपन कर दे तो वो नहीं चलेगा, है ना। जब तक आप अच्छा थोड़ा डिस्काउंट नहीं देंगे, लोगों को लुभाएंगे नहीं, है ना, तो
उसको चलाने के लिए भी कई चीज़ें करनी पड़ती हैं स्टोर में, ताकि कस्टमर आए, है ना, हमारे पास से ही प्रोडक्ट बिके, ये सब मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखो जब आप स्टोर ओपन करते हैं तो इन चीज़ का विशेष ध्यान देना, कभी भी स्टोर ओपन करिए तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो कस्टमर आता है तो उस वो दोबारा आपके स्टोर में आए, है ना, उससे बात करने का तरीका, है ना, आपकी चीज़ों का मैनेजमेंट, आपकी सर्विसेज, ये सब अगर आपने अच्छी रखी ना तो हमेशा कस्टमर आएगा और आपके यहाँ से ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से बना के रखा तो आपके स्टोर बिल्कुल चलेगा और आप जो है एक खुद का स्टोर बना सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने बताई कि फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या खुद का खोलना चाहिए स्टोर, तो इनमें आपने डिफरेंस समझ लिया होगा आई होप। और ऐसी और इसी तरह से आप थोड़ा समझिए और जानिए कि भाई हमें खुद का स्टोर ओपन करना चाहिए या कि हमको फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, है ना, थोड़ा समझिए चीज़ों को, कोई ज़्यादा बड़ी इशू वाली बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसे फंसाना चाहते हैं अगर तो कि भाई हमारे पास खूब पैसा है हम फ्रेंचाइजी ही लेना चाहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं, ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ही इसको एक्सपेंड करूँगा, मेरे आगे चल के मेरे 20-25 स्टोर होने चाहिए, है ना, ऑल ओवर इंडिया में मेरे स्टोर होना चाहिए, पूरे दुनिया में मेरे स्टोर होना चाहिए, तब जाके एक अपना नाम बनाइए, एक अपने खुद का ब्रांड बनाइए और फिर अपना स्टोर ओपन कीजिए। और धीरे धीरे फिर जब आप एक स्टोर को अच्छे रूप से उसको चला लें, प्रॉफिटेबल कर लें, देन आप दूसरे स्टोर पे प्लानिंग करेंगे, आप चलो हम दूसरे स्टोर भी खोलते हैं, और ऐसे करके ना आप अपना आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। वॉलमार्ट एक ऐसा बिजनेस है कि भाई वॉलमार्ट हो गया चाहे डीमार्ट का बिजनेस मॉडल आपने देखा होगा। डीमार्ट क्या करते हैं, जब प्रॉफिट हो जाता है, एक स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाता है और उससे जब ये पैसा कमा लेते हैं तब ये दूसरा स्टोर ओपन करते हैं, है ना। ये लोग खुद के स्टोर, खुद की लैंड पे, खुद की ज़मीन पे अपना स्टोर बनाते हैं और वहीं पे अपना स्टोर मैनेज करते हैं, इस तरह का इनका काम है। और ये आज प्रॉफिटेबल भी है डीमार्ट, क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल ही अलग है। तो जब तक आप अपने स्टोर में बिज़नेस मॉडल अलग नहीं जमाएंगे, अपने स्टोर को मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका स्टोर भी बंद होने के कगार में होगा और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे अपने स्टोर में, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो स्टोर मत चलाइए। दूसरे के मत्थे अगर कह देंगे कि एम्प्लॉय के माथे हम स्टोर चला लें तो वो स्टोर चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन में हो, हम ना बैठे स्टोर में तो चले, तो उसके लिए आपको लाखों रुपये के सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, तगड़े सॉफ्टवेयर, CCTV, RFID, हर चीज़ लगानी पड़ेगी अपने स्टोर में, तब जाके कहीं मैनेज होता है स्टोर, है ना। और एक स्टाफ भी, अच्छे खासे स्टाफ होना चाहिए, वेल मेंटेन ट्रेंड स्टाफ, तब जाके चलता है। 2-3 लोग को आप बैठा दें स्टोर में और उनके भरोसे आप अपने स्टोर को मैनेज कर दें, ऐसे में काम नहीं होगा दोस्तों। ऐसी गलती मत करिएगा, स्टोर मत खोलिएगा फिर ऐसे, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो बस यही सब टिप्स जो है हम इस चैनल पे देते रहते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही टिप्स हम इस चैनल पे देते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।